नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर है। चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, पायलट और को पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा है। पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका है। चीता हेलीकॉप्टर आपको बता दें कि सुबह से ही लापता है। बोमडिला में हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की भी जानकारी फिलहाल मिल रही है। सुबह ही आपको बता दें कि जो संपर्क है वो ATC से टूटा और उसके बाद अब चीता हेलीकॉप्टर सुबह लापता हुआ था, जिसके क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। बोमडिला में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये बड़ी और अहम जानकारी है। बड़ी बात यह है कि पायलट की तलाश के लिए अभी सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है, संपर्क नहीं हो पा रहा है ना तो पायलट से ना ही को पायलट से। सेना का चीता हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है जो कि सुबह से लापता है, जिसमें पायलट और को पायलट से संपर्क फिलहाल नहीं हो पा रहा है। पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है, ये बड़ी जानकारी है। तो चीता हेलीकॉप्टर है जिसके क्रैश होने की जानकारी की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल में सेना का ये हेलीकॉप्टर है जो कि क्रैश हुआ है, और बोमडिला इलाके में सेना का ये हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश बताया जा रहा है। सुबह 9:15 पर ATC से जो संपर्क हुआ है वो टूटा था, और सुबह से ही सेना का ये हेलीकॉप्टर लापता बताया जा रहा है, जिसके क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। अब पायलटों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी है। चीता हेलीकॉप्टर सुबह जो कि लापता हुआ, अब उसके क्रैश होने की जानकारी है। बोमडिला में आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और अब राहत और बचाव का काम फिलहाल चल रहा है, रेस्क्यू का काम अभी चलाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश से खबर है, सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है।